नमस्कार, आप सभी का जोधपुर समाचार में स्वागत है। मैं खबरों के साथ किरण राजपूत। पावड़ी के स्थानीय कस्बे सहित उपखंड क्षेत्र में महात्मा गांधी के 73वीं पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया गया। शहीदों की याद में तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज लिए आदर्श बाल निकेतन स्कूल के विद्यार्थी राष्ट्रीय भक्ति से ओत पोत नारे लगाते हुए देशभक्ति का संदेश दे रहे थे। रैली एबीएन स्कूल से लेकर सरोगरा का बास, रामदेव मंदिर से पुलिस चौकी, तहसील कार्यालय से मेघवालों के बास से होकर के गुजरी, जिसमें सभी छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इसी के साथ किसान नेता सारना के निधन पर बंद रहा सोयला का बाजार। किसान नेता पूराराम सारना के आकस्मिक निधन होने के कारण ग्रामीणों ने कस्बा बंद रख शोक जताया। प्राप्त जानकारी के अनुसार किसान नेता पूराराम सारना के बुधवार अचानक तबियत खराब होने के कारण राजकीय चिकित्सालय महात्मा गांधी जोधपुर लाया गया। वही मध्य रात्रि इलाज के दौरान उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली, जिनका गुरुवार को हजारों ग्रामीणों की उपस्थिति में अंतिम संस्कार किया गया। सारना किसान संघर्ष समिति सोयला के अध्यक्ष व सरपंच प्रतिनिधित्व भी रहे। वहीं राजनीति में भी वह पूर्व विधानसभा अध्यक्ष परसाराम मदेना व राज्यसभा राम नारायण हुड्डी के साथ सक्रिय रहे। इसी के साथ जोधपुर समाचार में इतना ही। जोधपुर की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए बीकाना एक्सप्रेस।